हेलो गाइस, वेलकम टू शेफ सोही। तो आज मेरे बेबी की फर्स्ट होली है, तो मैंने सोचा है कि कुछ क्रिएटिव किया जाए। यहाँ पे आपको बहुत चीपेस्ट रेट में एक क्रिएटिव से सेटअप तैयार कर रही हूँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि वो मैंने सेटअप कैसे रेडी किया है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर छोटे छोटे बाउल्स में कलर ले लिए। आप कितने भी कलर ले सकते हो, जितनी आपकी मर्जी हो। और ये मैंने छोटे छोटे बाउल्स में ले लिए हैं, आप कोई भी बाउल यूज कर सकते हो। मैंने यहाँ पर एक ब्लैक शीट ले ली है, ये मुझे बहुत ही चीपेस्ट रेट में मिली है और ओनली ₹50। तो आप कोई भी यूज वाली शीट पड़ी है या फिर आप न्यू कपड़ा परचेज कर सकते हो कॉटन का, ताकि आपके बच्चे को जो है वो भी कंफर्टेबल लगे, स्टफ भी कंफर्टेबल लगे। तो यहाँ पर मैंने एक कॉटन की शीट ले ली है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि मैंने यहाँ पे सारे कलर्स पेंट करे, तो करना क्या है, यहाँ पे कलर्स लेने हैं और आपको ये पिक करना है और उसके बाद ऐसे ऐसे इसको स्प्रेड कर देना। आप जितने मर्जी कलर जो है इस पर स्प्रेड कर सकते हो। मैंने इस एरिया पे जो है कलर स्प्रेड नहीं किए, क्योंकि यहाँ पर मैं अपने बेबी की फोटो पिक करूंगी और आपको दिखाऊंगी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कलर्स जो है स्प्रेड नहीं किए, बिकॉज जो कलर्स होते हैं बेबी की स्किन के लिए बहुत सेंसिटिव है। तो सिर्फ यहाँ पर मैंने सेटअप के लिए यहाँ पर कलर स्प्रेड किए। आगे मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं आगे क्या करने वाली हूँ। इस तरह यहाँ पर मैंने कॉटन से जो है HOLI होली रेडी कर लिया है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैं यहाँ पर रखने वाली हूँ। ये मैंने H रख दिया, ये मैंने O रख दिया, ये मैंने L रख दिया, ये मैंने I रख दिया। तो मुझे साइड में अच्छा नहीं लग रहा था होली लिखा हुआ, तो मैंने इसको मिडल में कर लिया। मैं अब क्या करने वाली हूँ, मैं इसमें कलर्स लेके जो है यहाँ पे स्प्रेड करने वाली हूँ। बस ये मेरा फाइनल लुक रेडी होने वाली है। यहाँ पे मैंने होली के ऊपर जो लिखा हुआ था कॉटन से, उसके ऊपर कलर्स कर दिए हैं। चलो यार, बच्चे के साथ फोटो शूट करने में बड़ी दिक्कत आती है, तो देखो मेरा बच्चा क्या कर रहा है। उसको मैंने पहले ही रेडी कर दिया है और अब वो देख रहा है कि मम्मा क्या कर रही है। तो अब ये जो मैंने यहाँ पर कलर्स लिए थे, इनको मैं होली के जस्ट अबव रख दूंगी। और ये रेडी, और ये 2 पिचकारी भी मैंने सदर से परचेज की थी, बहुत ही चीपेस्ट रेट में, 20-20 रुपीज में मुझे पिचकारी मिल गई थी। मैंने तो ये पिचकारी जो है मैं सबसे ऊपर रख रही हूँ, और ये जो सेकंड थी गन वाली पिचकारी, ये मैं ऐसे इस शेप में यहाँ पे रख रही हूँ। तो यहाँ मेरा सेटअप रेडी हो चुका है, और गाइस ओनली ₹140 में मैंने ये सेटअप जो है रेडी कर चुकी हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो मैंने पिक करी, ये जो मैंने परचेज करी है सदर बाजार से ₹40 में, और ये जो कपड़ा मैंने परचेज किया वो ओनली ₹50 में। और यहाँ पर मैं आपको अपने बेबी की जो टी शर्ट दिखाने वाली हूँ हैप्पी होली वाली, वो भी मैंने ₹50 में सदर से परचेज किया। तो ₹140 में ये टोटल जो है सेटअप रेडी हो चुका है। तो आप भी मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना कि ये आपको कैसा लगा और किस किस ने ये ट्राई किया। तो गाइज ये है हैप्पी होली वाली टी शर्ट जो मैंने परचेज की थी सदर बाजार से ओनली ₹50 में, जिसे पहनकर हमारा बच्चा जो है वो बहुत हैप्पी हैप्पी हो गया, क्योंकि दिस इज हिज फर्स्ट होली। तो जो हमने ये सेटअप जो रेडी किया है शिफाली ने, तो वो इसके होली के लिए किया था। तो आप भी सिंपल वे से ये सेटअप रेडी कर सकते हो। तो अब आपको फाइनल लुक दिखाते हैं इस सेटअप के साथ कि हमारे बच्चे की फोटो जो है वो कैसे लग रही है। चलिए, और यहाँ पर ना हम लोग गाइस फोटोशूट जस्ट स्टार्ट ही करने वाले थे, और ये भाई साहब ने, हमारे छोटू राम ने, यहाँ पर पोटी कर दी और यहाँ पर डाइपर चेंज कर दिया गया। तो सोच रहे हैं हम लोग एक इसके डाइपर और होली की टी शर्ट के साथ भी फोटो क्लिक कर दी जाए, क्योंकि आपको पता है यार कितनी प्रॉब्लम होती है छोटे बच्चे के साथ अगर फोटोशूट कर रहे हो ना आप लोग। तो ये है जी हमारे कान्हा जी, हमारे मौलिक साहब, हैप्पी होली। हैप्पी होली।